हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए जरा एक बार से सेशन लाइव हो जाए, उसके बाद वी विल स्टार्ट द सेशन। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दूसरा वाला गुड मॉर्निंग, देखो गुड मॉर्निंग पहला वाला हो दूसरा वाला हो, गुड मॉर्निंग विल रिमेन बी द गुड मॉर्निंग, है ना। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेल गुड मॉर्निंग। चलिए देख, खुशी तो देखो, मतलब ओहो हाँ जी ठीक है ना, मतलब कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना। आज ऑन बोर्ड तो मैंने सोचा कि चलो सैटरडे है तो तुम लोगों का सैटरडे सेलिब्रेट कर दिया जाए ऑन बोर्ड। वेल वेरी गुड मॉर्निंग। अब कटरीना के आप शादी कर रही हैं तो उससे हम लोगों को क्या भैया, हमें कौन सा शादी में इनवाइट करेंगी जो हम लोग परेशान हो रहे हैं, कैसी बातें करते हो। खैर वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिकाचू, ओम, विशाल, रिंकी, विनीत, हनी, केडी, अच्छा ललित, नहीं कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, दिस इज सिंपली अ रिविजन क्लास। अब जैसे कि यहाँ पे महाशय जी का मैसेज आया है कि मैम आजकल आप क्लासेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो जिसकी वजह से रिविजन नहीं हो पा रहा है, तो बेटा हम क्लासेस भी तो रिविजन वाले ही ले रहे हैं, हम नया कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्लासेस भी तो हम रिविजन वाले ही ले रहे हैं। कैसी बातें करते हो, कहाँ तो हम सोच तो लिया करो बोलने से पहले। चलो एक बार से क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट बाकी स्टूडेंट जो हैं वो भी क्लास में ज्वाइन कर पाएँ। बहुत तेज़ी से आंसर करते हुए चलिएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि लास्ट 6 मंथ का करेंट अफेयर्स ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था। वेल इसके अलावा आपके 2 यहाँ पर आज थ्योरी क्लासेस रहेंगे। इस क्लास के बाद में सीधे आपसे मुलाकात हम करेंगे 1:30 बजे, जहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट्स का पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। मैराथन क्लास है, दैट मींस 45 मिनट्स या 1 घंटे की क्लास होगी ये। इसके बाद में आपका 4 बजे दूसरा क्लास लगा है, जहाँ पर आपको ब्रेन चैप्टर पढ़ाएंगे और ये भी आपका थ्योरी क्लास होगा। मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स में क्लास खत्म होगा, ठीक है। तो दीज आर द क्लासेस जो कि आपको अनअकैडमी पे मिलेंगे अनलॉक करने के लिए। इन केस अगर आपसे कोई कोड पूछता है वहाँ पर लॉग इन जब आप करते हो तो वहाँ पर आप प्रति10 कोड का यूज़ कर सकते हैं। ऑल कूल, केडी, सिया, सनफ्लावर, आशीष, सपना, सुयश, रोहित, वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज़ ठीक आ रही है, एक बार से मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दो आवाज़ जो है वो ऑडिबल है आपको। जय सिया राम। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चले फिर आगाज़ किया जाए। शुभम, ओम, सुयश, समर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। राहुल, विशाल, आहा आहा, अलकुल एक बार से थम अप करो तो क्लास की शुरुआत करी जाए। प्रधान काना, सरिता, भूमि, वेरी गुड मॉर्निंग। सुष्मिता, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लियर, ओके राइट। चलिए तो करते हैं यहाँ से क्लास की शुरुआत, और सबसे पहला सवाल आपके सामने आता हुआ फटाफट से क्वेश्चन और फटाफट से आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे गार्जियन मिनिस्ट्री की शुरुआत करी गई। ये वही वाला स्टेट आपको मिलेगा जहाँ पे अभी हाल ही में टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क आपको कितने देखने को मिले, 7 देखने को मिले। ये वही वाली जगह है जहाँ पे आपको काउ हॉस्पिटल भी देखने को मिलता है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आसाम के अंदर आपको ये मिनिस्ट्री देखने को मिली। अगला पॉइंट, अभी आपको पता है कि आज तारीख है 4th of November, और 4th of November को मैंने आपको बताया था कि आने वाला है क्या, साइक्लोन। और ये जो साइक्लोन है ये 2 स्टेट को इफेक्ट करेगा, ओरिसा एंड वेस्ट बंगाल। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया, नाम दिया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला, स्काई गार्जियन 1, ये एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है, ये एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है। गाइस सेशन के लिंक को एक बारी से लाइक और शेयर मार दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर होगा यहाँ पे इजिप्ट एंड पाकिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि SEO की अभी हाल ही में कौन सी एक्सरसाइज थी जिसका आयोजन पाकिस्तान के अंदर हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा, पापी एक्सरसाइज, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि इंडिया जो था उसने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर चेयरपर्सन के रूप में अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है। आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट किया गया है ये अपॉइंटमेंट हर्षवर्धन जी की जगह पर किया गया है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, वॉट विल बी द राइट आंसर। विशाल, कनिका, ओके खुशी तो देखा, मनोज, हाँ वाईटी। चले इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, डॉक्टर पैट्रिक इज द राइट आंसर। इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। NPCI
इन्होंने अभी हाल ही में इसमें से कौन से बैंक के साथ में टाई अप किया है ताकि UPI सिस्टम को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। जब हम SBI की बात करेंगे तो SBI वो बैंक है जिसने अभी हाल ही में फ्लोटिंग ATM लॉन्च किया है, और ये फ्लोटिंग ATM कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लॉन्च किया गया। SBI अगेन वो बैंक है जिसने नाविक नाम का जो कार्ड है उसको भी लॉन्च किया हुआ है, और ये वही वाला बैंक है जिसने अभी पुडुचेरी के साथ में भी टाई अप किया है। आंसर बोलो इसका क्या बनेगा, सी ICICI बैंक, HDFC, ICICI। ओके सोच लो एक बारी से, पक्का? चलो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ICICI बैंक, बिल्कुल सही। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको मिलता है, मुंबई के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग टैब, सवाल में कहा जा रहा है कि ये जो एक स्कीम है इसको रिसेंटली कहाँ पर लॉन्च किया गया, इसको रिसेंटली कहाँ पर लॉन्च किया गया। एक क्लास कौन से टॉपिक की बात कर रहे हो तुम? ओ माय गॉड, सही बताओ, इतना डेटा कंज्यूम होता है, खतरनाक है वैसे। चलिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा, लद्दाख के अंदर इसको लॉन्च किया गया। लद्दाख वही जगह है जहाँ पे आपको हेमीज फेस्टिवल मिलता है, और इसी के साथ में आपको हेमीज नेशनल पार्क भी यहीं पर देखने को मिलेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021? एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 जो है उसके अंदर भारत का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर बनेगा 117 नंबर पे आपको इंडिया की रैंकिंग मिलेगी। एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से आपसे एयर क्वालिटी इंडेक्स में पूछा जा सकता है कि कौन सा शहर नंबर 1 पे है, तो दैट विल बी दिल्ली। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषण आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल, कौन से ऐसे यहाँ पे CM हैं जिन्होंने अभी हाल ही में मेडिसिन ATM लॉन्च किया था? ऐसे कौन से CM हैं जिन्होंने मेडिसिन ATM लॉन्च किया था? मनोज, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम गोइंग टू, भैया सुनिए, आप अगर लखनऊ में आए हैं तो लखनऊ में थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो केसेस हैं वो मिलना शुरू हो चुके हैं, सो बी केयरफुल। इसका आंसर क्या बनेगा, यूपी के अंदर इसको लॉन्च किया गया। यूपी के जो CM है, आप सभी को पता है कि योगी बाबा इज द राइट आंसर, और अगर यहाँ पे गवर्नर आपसे पूछी जाएंगी तो आंसर क्या बनेगा, आनंदी बहन पटेल इज द राइट आंसर। अगला सवाल, आसाम के अंदर 6 नंबर का नेशनल पार्क किसको डिक्लेयर किया गया? आसाम के अंदर 6 नंबर का नेशनल पार्क किसको डिक्लेयर किया गया? दिहांग पटकाई जो है ये 7 नंबर का नेशनल पार्क है आसाम का। क्वेश्चन में आपसे 6 पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे 6 पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा, रमोना नेशनल पार्क। आसाम के अंदर टोटल नेशनल पार्क कितने हो चुके हैं, 7। यहाँ पे आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पे आपको एक सींग वाले गेंडे यानी कि वन हॉर्न राइनासोर्स मिलते हैं। अगला सवाल, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ये अभी हाल ही में कौन से राज्य में लॉन्च करी गई, ये अभी हाल ही में कौन से राज्य में लॉन्च करी गई? मिस्टू, ओके, सुष्मिता, श्वेता, करेक्ट, वर्षा, रिंकी, विकास, ओके, अभिषेक, काजल, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजस्थान के अंदर इसको लॉन्च किया गया, लेकिन ये याद रखिएगा कि अभी हाल ही में इंदिरा रसोई का वर्जन 2.0 को भी लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, हु इज द विनर ऑफ द पेन पिंटर प्राइज 2021? सवाल में पूछा जा रहा है कि पेन पिंटर प्राइज जो है ये यहाँ पर अभी हाल ही में दिया गया, ये किसके द्वारा जीता गया? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि पहली बार अफ्रीका से, जिम्बाब्वे से किसी पर्सनालिटी को इस अवार्ड से नवाजा गया है। इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2032 में ओलंपिक गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 2032 में ओलंपिक गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इजी क्वेश्चन है, हलवा टाइप का सवाल आपको सामने मिल रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्रिस्बेन। अगर आपसे पूछा जाए 24, तो आंसर क्या करोगे, पेरिस, है ना, यही करोगे ना। इसके बाद में 28 आएगा, लॉस एंजलिस करोगे, फिर 32 आएगा तो ब्रिस्बेन करोगे। ब्रिस्बेन कहाँ पर है, यह आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलेगा। अगला सवाल, बताइए मेसी के ऊपर, सवाल में पूछा जा रहा है कि ये बताइए इसमें से कौन से ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो सेकेंड हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर हैं, और यहाँ पर अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इन्होंने क्या कर दिया, भैया मेसी भैया को पीछे छोड़ दिया है। नाम बताओ, इजी क्वेश्चन पूछा है,
आज सर्दी बहुत हो गई है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे सुनील छेत्री भैया, बराबरी पे आ गए, ज्यादा समय नहीं लगेगा अब इनको यहाँ पे इनको पीछे छोड़ने में, ठीक है। वैसे कि अगर हम बात करें तो बेलेन ओडियर अवार्ड इनको कितने मिल चुके हैं, 7 मिल चुके हैं, और पूरे करियर में जो रोनाल्डो हैं इनके जो नंबर ऑफ गोल्स हुए हैं पूरे करियर की बात हो रही है, दैट इज 801। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अभी हाल ही में यहाँ पे पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। आंसर, आज देहरादून आ रहे हैं मोदी जी, मुझे मालूम है, और वहाँ पे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी लॉन्च किया जाएगा जहाँ से दिल्ली से हैदराबाद की दूरी जो है वो सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी, मुझे मालूम है। तुम लोग कभी कभी, खैर इसका आंसर बताओ, केरला, श्योर है? चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, केरला इज द राइट आंसर। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द नेशनल वीमेन ऑनलाइन चेस टाइटल, दिल्ली से बिलोंग करती हैं पर्सनालिटी, आपको नाम बताना है कि जिन्होंने अभी हाल ही में जीता। अरे भाई लोबलीना तो हो नहीं सकती, ये तो कहाँ, आसाम से, दिल्ली मैंने आपको बोल दिया है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, वंदिका अग्रवाल। अगला सवाल बताइएगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सवाल में कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम इसके अंदर इंडिया का कौन सा शहर है जिसको रखा गया है, इसके अंदर कौन से शहर को रखा गया है, जल्दी से, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इंदौर को रखा गया। और अगर आपसे पूछा जाए स्वच्छता अभियान के अंदर 5 बार लगातार नंबर 1 पे जो रहा है, अगेन इंदौर हो जाएगा। इंदौर आपको कहाँ मिलता है, एमपी के अंदर मिलेगा, बट मेहरबानी करके इंदौर को एमपी की कैपिटल मार्क करके मत चले आइएगा, दैट विल बी भोपाल। कई बार होता क्या है ना कि जो शहर बार 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 सुनते रहो वही आंसर हो जाता है तुम्हारा। चलो नेक्स्ट बताओ, ये देखो ये क्वेश्चन तो अभी पूछा ही गया था, धोलावीरा, आंसर, वाटर प्लस भी है, एग्जैक्टली मिर्जापुर, बड़े दिनों बाद दिख रहे हो, क्या बात है। धोलावीरा की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है यूनेस्को की लिस्ट के अंदर अभी हाल ही में इसको रखा गया। सवाल में कहा जा रहा है इन विच स्टेट, तो आंसर बनेगा गुजरात। अगर आपसे पूछा जाता है रामप्पा टेम्पल के बारे में या 1000 पिलर टेम्पल के बारे में, तो ये कहाँ है, तेलंगाना के अंदर है, और ककतिया डायनेस्टी के साथ में जुड़ा हुआ है, इसको भी इसके अंदर शामिल किया गया। अगला, थर्ड इंडियन टू विन द टेनिस सिंगल मैच एट ओलंपिक, एट ओलंपिक, आंसर, AK-47, आशीष, काजल, ठीक है, सौरभ, गिरीश, लक्ष्य, प्रार्थना, संजीत, इसका आंसर क्या होगा, मंत्रिशा, करेक्ट, इसका आंसर बनेगा सुमित नागल, इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, 13 ईयर ओल्ड आपको बताना है इसमें से कौन सा वो नाम है जिन्होंने मेडल जीता है, और आप सबको पता है कि वो एक छोटी सी बच्ची है जो कि 13 साल की है, और वो जो आपने देखा हो स्केटिंग, वो जो आइस के ऊपर होती है उसके अंदर इन्होंने मेडल जीता है, नाम बताओ, व्हाट इज द नेम, बंगाली बाबू, अरे भाई इतना खतरनाक खतरनाक क्यों तुम लोग इमोजी यूज करते हो, इसका आंसर होगा मोमी जी, क्या बताया था, मम्मी जी नहीं है, मोमी जी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 800 ईयर ओल्ड रामप्पा टेम्पल, जस्ट मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया, इसका एक और नाम है और वो है रुद्रेश्वर टेम्पल, ये आपको इनमें से कौन से स्टेट के अंदर देखने को मिलता है, कौन से स्टेट के अंदर देखने को मिलता है, चलो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तेलंगाना के अंदर आपको ये मिलेगा। अगर आपसे एमपी पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा, खजुराहो टेम्पल, सांची स्तूपा, ये आपको एमपी के अंदर मिलेगा। आज मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश के बारे में कि यहाँ की जो पुलिस फोर्सेस हैं इनको प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है, गाइस सेशन को एक बार इसे लाइक और शेयर मार देना क्योंकि आधे बच्चे तो इस टाइम पे कहीं और ही व्यस्त होंगे, रिवीजन बहुत ज़रूरी है गाइस, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो, अपने रिवीजन के टाइम पे अगर मैंने कोई क्लास रिवीजन की रखी है तो उसी को मेंशन कर दो, समझ रहे हो, इससे आपके दोनों काम हो जाएंगे, यही एक स्मार्ट तरीका होता है पढ़ाई करने का, वरना समय उतना ही रहेगा वो बढ़ नहीं जाएगा, ठीक है, वीके जार। चलिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा, आपने देख ही लिया। नेक्स्ट पे आइए, विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 एंड 21,
विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 and 21. इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, आप सबको पता है बाला देवी इज द राइट आंसर, वेरी कॉमन नेम, ये आपने सुना ही है. अगला सवाल, ठीक है चलो नेक्स्ट पे आओ. कहा जा रहा है कि ये बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन इंडियाज फर्स्ट मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक. इंडिया के लिए टोक्यो ओलंपिक के अंदर पहला मेडल, ध्यान देना यहाँ पे गोल्ड मेडल नहीं लिखा है, पहला मेडल पूछा गया है. गोल्ड मेडल लिखा होता तो नीरज चोपड़ा. पहला मेडल किसने, मीराबाई चानू. कौन सा वाला मेडल था, दैट वॉज अ सिल्वर मेडल. कौन सा था, सिल्वर मेडल. ठीक है चले नेक्स्ट पे आते हैं. हु अमंग द, कहाँ गया भाई, हाँ अगला, यांग उइंग हैज वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स इन 10 मीटर एयर राइफल. आपको बताना है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, आपको बताना है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं. आंसर करो, चित्रा, आशीष, सौरभ, पूर्वी, गौरव, रिया. ठीक है इसका आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे चाइना से बिलोंग करती है. ऑब्वियस उसके नाम से ही लग रहा है, खतरनाक सा उसका नाम है ना, कि बोलने में भी हम लोग को 4 दिन लगे. अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे दलित बंधु योजना को लॉन्च किया गया. दलित बंधु योजना 2 स्टेट में है. अगर आपसे पूछा जाए वहाँ पर और ऑप्शन में आपको आंध्रा लिखा हुआ दिखे तो आप आंध्रा मार्क कर देना, लेकिन अगर आपको आंध्रा लिखा हुआ नहीं दिखता है, आपको तेलंगाना लिखा हुआ दिखे, तो आप आंसर क्या करोगे, तेलंगाना मार्क कर दोगे. ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तेलंगाना के लिए इसको लॉन्च किया गया. अगला, कहा जा रहा है कि मेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का खिताब किसको दिया गया. मेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर, अभी विमेन था, अभी यहाँ पे मेंस पूछा जा रहा है. मिलन, ओके, भूपेंद्र, भूप्यू. बेचारे के नाम के साथ में तुम लोगों ने अत्याचार किया हुआ है. इसका आंसर बनेगा यहाँ पे संदेश. ठीक है, नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा स्टार्टअप इंडिया स्कीम को कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है. स्टार्टअप स्कीम का मतलब ये होता है कि सपोज करिए कि कोई भी पर्सन है जो अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए लोन वगैरह जो है वो भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा. सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कब तक के लिए इसको इंक्रीज किया गया. इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 2025. आपको ये भी पता है कि ये वो टाइम है जब टीबी मुक्त होना है क्या हमारा प्यारा भारत. अगला सवाल, द स्ट्रेंजर इन द मिरर, दिस इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ. द स्ट्रेंजर इन द मिरर इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ. आंसर करके बताइए. ASI का एग्जाम है कल, अरे वाह, ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छे से पेपर करके आना, पेपर अच्छा ही होगा वो मुझे भी पता है. चलो इसका आंसर बोलो, इसका आंसर बनेगा क्या, इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी. अगला सुनिएगा, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज भारत में कहाँ पर लगाया जाएगा या फिर कहाँ पर खोला जाएगा. आंसर, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज सुबह 5 बजे का क्लास अभी तक नहीं देखा है, देख लीजिएगा, वहाँ पे 2020 के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने रिवाइज कराए हैं. इसका आंसर बोलो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नोएडा के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा. अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी के अंदर अब टोटल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो भी आंसर कितना बनेगा, 5 बनेगा, क्योंकि नोएडा के अंदर नया वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आगाज हो गया है. अगला, पेड्रो कैस्टिलो ये अभी हाल ही में प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं, इनमें से कौन से देश के अंदर, इनमें से कौन से देश के अंदर. नेम द कंट्री. वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अब गुड मॉर्निंग हो रहा है. हाँ, इसका आंसर क्या होगा, पेरू. पेरू की बात अगर हम करेंगे तो यहीं पर इसकी कैपिटल जो है वो याद रखेगा, दैट इज लाइमा. अगर इक्वाडोर की कैपिटल पूछी जाएगी तो क्यूटो हो जाएगी, और अगर चिले की कैपिटल पूछी जाएगी तो दिस विल बी सैंटियागो. सैंटियागो में क्या मिलता है, यहाँ पे सबसे बेस्ट वाली ग्रेप वाइन मिलती है मैम, बस यही नहीं बताना था. चलिए अगला सवाल, आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सी वाली ऐसी कंट्री होगी जो क्या करेगी, 2032 के ओलंपिक्स को होस्ट करेगी. अब सुनो, वहां पे मैंने आपको ब्रिस्बेन बता दिया था, सवाल आपसे ऐसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया नहीं होगा बल्कि ऑस्ट्रेलिया होगा. अब समझना, अगर तुमसे पेपर में लिख कर आता है विंटर, तो 2022 कहाँ पे, चाइना के अंदर, और इसका मैस्कॉट क्या होगा, स्माइलिंग पांडा इसका मैस्कॉट होगा. अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर गुलमर्ग से एक ऐसे प्लेयर जो कि स्काइंग से जुड़े हुए हैं
उन्होंने क्वालिफाई किया है, उनका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर, उनका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए कि जो प्लेयर जम्मू कश्मीर से भी क्वालिफाई किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा, डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया? आरिफ खान ओके, करेक्ट, आरिफ खान। इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्तार अब्बास नकवी, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर भी हैं ये, जरा नाम याद रखिएगा। अगला, पॉट टैक्सी, यस मैम, ये सवाल अभी पूछा भी गया था, अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो पॉट टैक्सी है ये सबसे पहले कहाँ पर लॉन्च करी गई? तो एक्चुअल में जो जेवार एयरपोर्ट है वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, और ये कहाँ मिलेगा? नोएडा के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? नोएडा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बताइए, पूछा जा रहा है पैलमे और अवार्ड। अब देखो, कांस फेस्टिवल जो होता है यहाँ पे सबसे बेस्ट कैटेगरी का जो अवार्ड होता है या सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो यही वाला है, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये बोला, ठीक है, कहाँ? गोवा के अंदर। अब इसमें बेस्ट अवार्ड कौन सा होता है? तो गोल्डन पिकॉक होता है। उसी तरीके से पूछा जा रहा है ये अवार्ड अभी हाल ही में किसको मिला, ये अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया? इलेक्ट्रॉनिक पार्क भी यहीं आएगा काजल, बिल्कुल सही, करेक्ट। जितना रिकॉल करोगे उतना आपके लिए वो प्रॉफिटेबल है, कहानी खत्म। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या बनेगा? करेक्ट है, ऑप्शन इसका डी बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसे हम एपिक के नाम से जानते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमेशा जो लीड करता है, यानी कि इसके अंदर जो आपको हमेशा बिग ब्रदर मिलता है वो कौन है? वो यूएसए है। पूछा जा रहा है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? नोरेटो, पहले तो तुम अपना नाम बदल लो, ठीक है, सौभाग्य वाले नाम पे वापस आ जाओ, हम समझ जाते हैं कि कौन है कौन नहीं है, कितने भी नाम क्यों ना बदल लो। इसका आंसर क्या बनेगा? न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, अगर मैं आपसे न्यूजीलैंड की कैपिटल पूछूं तो व्हाट विल बी द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, तो आप सबको मैं बताऊँ, तुम लोग बताओ, चलो तुम लोग बताओ न्यूजीलैंड की कैपिटल बताओ, जैसिंडा आंटी है ना यहाँ पे, इसकी कैपिटल आंसर करो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अभी हाल ही में वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च किया? आंसर ओके, कैपिटल अभी तक नहीं बताई है आपने, ऑकलैंड विलिंगटन। अरे प्रभु, कसम से भेजना पड़ेगा जैसिंडा आंटी को, तुम लोग के घर पे भेजना पड़ेगा। चलो इसका आंसर करके बताइए, इसका आंसर तो सिंपल है यार, इसमें सोचना ही नहीं है, इसका आंसर बनेगा हरियाणा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो इवन और ऑड वाला है ना, इवन और ऑड वाली ये जो स्कीम आई थी अभी हाल ही में, ये दिल्ली के अंदर सबसे पहले आई थी, लेकिन उसके बाद में अभी हाल ही में इसको कहाँ लॉन्च किया गया? हरियाणा के अंदर भी इसको लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी। आधों का अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है और अभी भी यहाँ पे आधों की नींद नहीं खुल रही है। इसका आंसर क्या बनेगा? विमल जलान। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है, इनके नाम के ऊपर काफ़ी सारी कमिटीज भी बनी थी, तो आपके लिए ये नाम अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ में सी रंगराजन कमिटी भी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे पॉवर्टी के बारे में डिस्क्राइब करती है, तो ये कमिटी का नाम भी पता होना चाहिए। रघुराम राजन, वेरी फेमस नेम, आप सब जानते ही हैं, आरबीआई गवर्नर रह चुके। अरिजीत पटेल, ये भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये लो आरबीआई आ गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अभी हाल ही में आरबीआई ने किसका अपॉइंटमेंट किया है? आशीष मौर्य, बिल्कुल सही है, करेक्ट, वो यूपी वाली स्कीम है, राइट, हाँ जी आंसर। और हाँ, फिर से मैं रिपीट कर दूँ, इस क्लास के बाद में 1:30 बजे क्लास है, उसके बाद में 4 बजे क्लास है, फंडामेंटल लाइट्स एंड ब्रेन चैप्टर। आंसर, ये आंसर बनेगा, अजय कुमार जी का भी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू द इंडियाज इवैक्यूएशन मिशन फ्रॉम अफगानिस्तान? आप सबको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान ने हर चीज को कैप्चर करना शुरू कर दिया था, उस टाइम पे इंडियंस को वहां से वापस लेके आना था, तो वहां पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, आपको बताना है उस ऑपरेशन का नाम क्या है।
ये तो इंडिया का डोमेस्टिक है जिसको बीएसएफ ने लॉन्च किया था, ये तो हटा ही दो। ऑपरेशन संकल्प भी नहीं है, मेघदूत शियाचिन ग्लेशियर के लिए बचा क्या, ऑपरेशन देवी शक्ति इज द राइट आंसर। ठीक है, देवी शक्ति, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कशमैन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स? इस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है, इस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है? इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इंडिया की रैंकिंग आपको नंबर 2 पे देखने को मिलेगी। अगर आपसे रिन्यूएबल एनर्जी पूछा जाए तो उसके अंदर इंडिया की रैंकिंग नंबर 3 पे देखने को मिलेगी। वैसे आपको बता दें कि आज सुबह जब मैंने क्लास लिया है तो वहाँ पे 2020 की रैंकिंग्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, देख जरूर लेना यार, पेपर देने जाने से पहले देख जरूर लेना। अगला सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है। सवाल में पूछा जा रहा है कि इसके अंदर जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया। देखो ये मिनिस्ट्री किसके पास में, अमित शाह जी के पास में, जिनके पास में ऑलरेडी आपको क्या देखने को मिलता है, होम अफेयर मिनिस्ट्री देखने को मिलता है। अब आंसर करो यहाँ पर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी आंसर। ठीक है, ठीक है, टॉप इज चाइना, ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर टॉप की बात आएगी वो चाइना ही होगा। इसका आंसर है अभय कुमार सिंह जी को यहाँ पर सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया। ये कानपुर वाले लोग इतना नाच क्यों रहे हैं आज, क्या बात हो गई। हाँ, अगला सुनिएगा, इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया की चौथी ऐसी कंपनी बनी है जिसने कितना $100 बिलियन का क्या कैपिटलिज्म को अचीव कर लिया है। आंसर करके बताओ, कैपिटलिज्म को अचीव कर लिया है। पीडीएफ मिलेगी क्या क्लास की? हाँ हाँ, पीडीएफ ज़रूर से आपको मिलेगी, नॉट टू वरी, पीडीएफ मिलेगी। चलो इसका आंसर क्या बनेगा, ये होगा इन्फोसिस। देखो टाटा कंसल्टेंसी ऑलरेडी है, रिलायंस ऑलरेडी है, तो अभी रिसेंट वाली जो है दैट इज इन्फोसिस। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला सवाल है, क्या वांगचुवा फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? वांगचुवा फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आंसर करो फटाफट से। इन्फोसिस के साथ मैं कानपुर से, आह पट्टी चल रही है गाइज, एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मार देना। इसका आंसर क्या होगा, आसाम के अंदर अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया। अगर आपसे पुष्कर मेला पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, पुष्कर लेक अगर पूछी जाएगी तो ये राजस्थान के अंदर, हरियाणा की बात आएगी तो सूरज कुंड मेला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, सूरज कुंड मेला आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फाइन। चलो आसाम करेक्ट। अगला सुनिएगा, कहा जा रहा है कि NTPC, ओहो मैम सबसे बड़ा दर्द, NTPC ने अभी हाल ही में इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित किया है? नेम द स्टेट, नेम द स्टेट, स्टेट का नाम बताओ। इजी क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल का पेपर है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना। सही है, चलिए इसका आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। मुझे पता था बता लोगे, लेकिन अगर तुमसे वर्ल्ड का पूछा जाएगा तो हम लोग को चलना पड़ेगा कहाँ पे, सिंगापुर, और वहीं पे बस तुम लोग अपना घर बसा लोगे, मुझे पता है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, बताओ कहाँ जा रहा है कि ये बताइए, अर्बन कॉपरेशन बैंक की अगर हम बात करें तो अभी RBI ने एक पैनल फॉर्म किया था। सवाल में कहा जा रहा है कि इस पैनल के हेड के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया, किसका अपॉइंटमेंट किया गया हेड के रूप में? इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे विश्वनाथन जी का अपॉइंटमेंट किया गया, NS विश्वनाथन। RBI के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास जी, और शक्तिकांत दास जी जो हैं ये ध्यान रखिएगा कि 25th नंबर के गवर्नर हैं, और इनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया। अगला सवाल बताओ, पूछा जा रहा है कि इंडिया ने अभी हाल ही में इसमें से कौन सी कंट्री के साथ में टाई अप किया है AK-103 सीरीज के लिए, AK-103 सीरीज के लिए। आंसर, साइक्लोन आ गया है। अरे यार भैया प्लीज़, जो भी कोस्टल एरियाज में रहते हैं प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक साल के अंदर 3-3 साइक्लोन इस पर्टिकुलर कोस्टल एरिया ने झेले हैं, तो डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा होते ही होता है, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो फिर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट वहाँ पे सिर्फ आपको सेव कर सकता है, उस डिज़ास्टर को रोक नहीं सकता। इसका आंसर बोलो क्या बनेगा, सी रशिया, बिल्कुल सही। और यूनिट कहाँ पर लगाई है, अरे अरे भैया यूनिट तो देखो अमेठी, कुछ याद आया, स्मृति ईरानी, अब कुछ याद आया, नहीं याद आया, किताब तो बता दो इनकी, लाल गुलाब मत बोलना, बाकी कुछ भी बोल देना, नाम बताइए किताब का। अगला सवाल,
Who among the following has won the silver medal in long jump World Athlete Under 20 Championship? Answer. नाम नहीं बताया अभी तक किताब का. हाँ 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 कहाँ रहेगी किताब. लाल सलाम. चलिए बहुत अच्छे हिमानी करेक्ट. इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे. शैली सिंह जिन्होंने अभी हाल ही में अंडर 20 के अंदर ये खिताब जीता है. अगला राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना अभी हाल ही में इस योजना को कौन से स्टेट के अंदर लॉन्च किया गया. देखो जब कोई क्वेश्चन तुमको नहीं आता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, खेलोगे. कैसे खेलोगे, नाम देखो क्या लिखा है. अब खुद से सोचो क्या यहाँ हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है. नाम के साथ में देखो गवर्नमेंट क्या यहाँ पर है इनकी, बिल्कुल नहीं है. क्रॉस मारो. कर्नाटका पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल. बचा क्या झारखंड और छत्तीसगढ़. लगाओ 50-50 लगाओ 50-50. अब आपको पता है भाई, सॉरी छत्तीसगढ़ की बात करोगे तो ये वही स्टेट है जहाँ पे राजीव गांधी न्याय योजना को लॉन्च किया गया था. सिंपल है, आंसर क्या है, यही बनेगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी. कहानी खत्म. अगला महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जा रहा है कि कौन सा वाला ऐसा एयरपोर्ट है जिसका नामकरण अभी दोबारा से किया गया और महाराजा अग्रसेन जी के नाम पे रखा गया है. इसी नाम से यूपी के अंदर भी एक चेंज किया गया, लेकिन उससे पहले चेंज कहाँ हुआ, उससे पहले चेंज कहाँ पर हुआ. ठीक है ठीक है ठीक है, खेला हुए हो गया था वहां पे. हाँ एग्जैक्टली आशीष, बिल्कुल सही बात है. वो पुष्कर मेला अलग है और ये वाला पुष्कर मेला अलग है. ठीक है, ये 12 साल में एक बार वाला है जो जम्मू कश्मीर का है. आई होप ये पता ही है यार, अभी तो पढ़ाया था 2 दिन पहले. इसका आंसर क्या बनेगा, हिसार इज द राइट आंसर. ये कहाँ पे आपको मिलेगा, ये आपको आसाम के अंदर देखने को मिलेगा क्योंकि ही इज द फाउंडर ऑफ आसाम. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगला सवाल कहा जा रहा है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण. किसके द्वारा इसको लिखा गया, किसके द्वारा इसको लिखा गया. नेम द पर्सन, नेम द पर्सन. ताज, तेज, संदीप, सोनाली, जयश्री, हिमांशी. ओके इसका आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर दी करेक्ट. ये यहाँ पर इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है. आपने नाम सुना ही होगा, बिहार के अंदर बहुत फेमस नाम है ये. अगला सवाल इंडियाज हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड हर्बल पार्क. अभी हाल ही में भारत के अंदर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर एक हर्बल पार्क खोला गया है, आपको बताना है इन विच स्टेट, इन विच स्टेट. समझ ही गए होगे हाईएस्ट है. अब भैया हाईएस्ट ये तो है नहीं, ये भी हाईएस्ट नहीं, ये भी हाईएस्ट नहीं, तो हाईएस्ट क्या होगा, उत्तराखंड. आंसर क्या बनेगा, उत्तराखंड इज द राइट आंसर. यहीं पे आपको क्या मिलेगा, लाइकन पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, मोजेस पार्क, और क्या मिलेगा, और क्या है यहाँ पे अभी, एरोमा पार्क, ये भी भूल गए थे, एरोमा पार्क. ये सारी चीजें आपको उत्तराखंड के अंदर मिलेंगी. अगला सवाल इस्माइल सबरी, आप सबको याद होगा कि अभी हाल ही में इनको पीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है. सवाल में पूछा जा रहा है इन विच कंट्री, इन विच कंट्री. माना ब्रिज ऑल्सो करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हाँ जी इन विच कंट्री, नेम द कंट्री. ग्रास कंजर्वेशन, एग्जैक्टली ये भी यहीं पर आपको मिलेगा, करेक्ट है. इसका राइट आंसर क्या होगा, मलेशिया के अंदर अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट किया गया है. मलेशिया की कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर है. और ये ध्यान रखिएगा कि बैडमिंटन फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है. अगला सवाल कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में केरला के अंदर एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है. देखो मैरी कॉम की बात करोगे तो इनको तो दिल्ली हट के अंदर अपॉइंट किया गया है, तो इनका नाम तो कैंसिल. नीरज चोपड़ा को अभी हाल ही में LIC के अंदर टाटा कंसल्टेंसी के अंदर अपॉइंट किया गया, इनका नाम भी हटा. अब बची मीराबाई चानू, तो मीराबाई चानू को MBA के अंदर अपॉइंट किया गया, नाम क्या बचा, श्रीजेश. इसका आंसर क्या होगा, श्रीजेश इज द राइट आंसर. और ये हॉकी प्लेयर हैं, केरला से बिलोंग करते हैं. अगला मेसी, इन्होंने अभी हाल ही में 2 साल के लिए इनमें से कौन से क्लब के साथ में टाई अप किया है. आप सबको पता है बार्सिलोना या रियल मैड्रिड, ये सब क्या है, ये सब क्लब हैं अलग अलग. तो इन्होंने अभी रिसेंटली अपने क्लब को छोड़ के नए वाला क्लब कौन सा है जिसके साथ में टाई अप किया है, जिसके साथ में टाई अप किया है. इसका राइट आंसर क्या होगा, पेरिस वाला है ना, तो इसका आंसर क्या बनेगा, PSG के साथ में टाई अप किया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके साथ में इंडिया एक एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है जिसका नाम है कोंकण एक्सरसाइज, जिसका नाम है कोंकण एक्सरसाइज. सिंपल है,
फ्रांस के साथ में गरुण डेजर्ट नाइट ये सब है, इसराइल के साथ में ऐसी एसच कोई एक्सरसाइज है नहीं। यूएसए के साथ में देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, लाइक युद्ध अभ्यास हो गई, या फिर टाइगर ट्राइम्फ हो गई, या मालाबार हो गई, पासिक्स हो गई, तो इसका आंसर क्या बनेगा, यूके। अगर आपसे पूछा जाए कोंकण या फिर कोंकण शक्ति, तो दोनों का आंसर क्या बनेगा, यूके बनेगा। अजय वॉरियर या फिर इंद्रधनुष, इसका आंसर भी क्या बनेगा, यूके बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल, कहाँ जा रहा है हेकेंजे हिचलेमा, इनको अभी हाल ही में प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है, इन विच कंट्री, इन विच कंट्री, नेम द कंट्री, नेम द कंट्री। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, जाम्बिया के अंदर इनका अपॉइंटमेंट किया गया, और ये भी आपको अफ्रीका के अंदर मिलेगा। पूरे दुनिया में अगर किसी को आज तक बोत्सवाना का नाम नहीं पता होगा, इन केस तो अब उसको पता चल गया होगा, जब से ये केसेस मिले हैं ना तब से बोत्सवाना का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। चलिए अगला सवाल, 69th चेस ग्रैंड मास्टर, आप सबको पता है कि अब तक टोटल कितने ग्रैंड मास्टर, 72, सवाल में 69th पूछा गया, सवाल में 69th पूछा गया, बताओ। आज सोलर एक्लिप्स भी है, जी हाँ आज सोलर एक्लिप्स भी है, इसका आंसर बोलो। देखो अभी गुड मॉर्निंग चल रहा है, गुड मॉर्निंग उड़िया, हाँ भाई इसका आंसर क्या होगा, हर्षित राजा इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, डी के साथ में जाएंगे, करेक्ट है। और अगर आपसे 72nd नंबर का पूछा जाए तो गुहा है, और गुहा कहाँ से बिलोंग करता है, कोलकाता से बिलोंग करता है। अगला सवाल, इन विच ईयर एनर्जी इंडिपेंडेंट जो है हमारे देश की दूसरे देशों के ऊपर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, हम लोग इंडिपेंडेंट बन जाएंगे एनर्जी सेक्टर के अंदर, आपको बताना है बाय विच ईयर, बाय विच ईयर। मैम कितने मिनट का क्लास है बेटा, अब हमको मिनट मिनट तो ना पता है क्योंकि 6 महीने का करंट अफेयर्स है, तो आई होप कि 10-15 मिनट्स का और होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 2047 तक इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगला, गति शक्ति, अभी हाल ही में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इसके लिए टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, इसके लिए टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 100 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया, ताकि ये जो कई बार देखा होगा ना आपने कि रोड्स वगैरह हैं या लॉजिस्टिक पार्क हैं या इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं, इसके सबके अंदर एक कहीं ना कहीं लैक आ जाता है, तो उन सबको पूरा करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला, राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन आईटी, कौन सा स्टेट स्टार्ट कर रहा है, कौन सा स्टेट इसकी स्टार्टिंग कर रहा है, मम्मा डांट रही है कि कब होगा क्लास खत्म, मम्मा को बोलो कि क्लास जब खत्म होगा तब तक हम बहुत सारी चीजें अपने पेपर के लिए सीख चुके होंगे, जो हमारे पेपर के अंदर छप के आएगी, और जब वो छप के आएगी मम्मा तब क्या होगा, पेपर में हमें सब कुछ आता होगा, और फिर तब क्या होगा मम्मा, तब ये होगा कि हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक, चलो आंसर बताओ, बातें तो ऐसी करते हो तुम लोग। इसका आंसर बनेगा महाराष्ट्र के अंदर इसको लॉन्च किया गया। अगला, बैंगोस आवाम मेला, ये कहाँ पर, कौन से स्टेट में या यूनियन टेरिटरी के अंदर लॉन्च किया गया, ये कौन से स्टेट में या कौन सी यूनियन टेरिटरी के अंदर लॉन्च किया गया, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसको लॉन्च किया गया। जम्मू एंड कश्मीर से जम्मू एंड श्रीनगर, इसकी दो कैपिटल आपको देखने को मिलती हैं, और अगर आपसे दरबार मूव पूछा जाए तो वो भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको मिलेगा। अगला, कहाँ जा रहा है कि ये बताइए, मालाबार एक्सरसाइज जो है ये इंडिया यूएसए जापान के साथ में और कौन से देश की कंडक्ट करी जाती है, और कौन से देश की कंडक्ट करी जाती है, पूजा, प्रियंका, शुभी, लता, ओके, जिया, रानी, मोहिनी, ओके, के बुजू, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सिंपल, ऑस्ट्रेलिया होगा। मालाबार एक्सरसाइज जो है ये आपके क्वाड ग्रुप के बीच में आयोजित करी जाती है, और जब हम क्वाड बोलते हैं तो इसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों के चारों देश आते हैं। नेक्स्ट, नेशनल फार्माक्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी, सवाल में पूछा जा रहा है कि इसके चेयरपर्सन कौन है, ये मत सोचना कि हम इसको गोला टिका देंगे, इसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे जो वैक्सीन्स वगैरह आ रही हैं, या फिर हमारे यहाँ पे जो ड्रग्स वगैरह आते हैं या जो मेडिसिंस आती हैं, उन सबको रेगुलेट यही करता है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, कमलेश कुमार पंत जी का अपॉइंटमेंट किया गया। अगला, फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैसीफाई, फर्स्ट विक्रम, ओके, फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैसीफाई, नाम देखा जाए
ये तो नहीं है, सोनू सूद भी नहीं है। सोनू सूद का नाम तो बस आएगा तो देश का मेंटोर पे आएगा, मनोज वाजपेयी नहीं है। इनको नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का धनुष के साथ में। इसका आंसर राजकुमार राव होगा। क्या बनेगा? राजकुमार राव। चलिए नेक्स्ट पे आइए। अल मोहम्मद अल हिंदी 2021, ये एक्सरसाइज कौन से देश के साथ में हुई? देखो यार, ये वही देश है जिसने अभी इस बार का जो साइक्लोन है उसका नाम दिया है। और ये देश कौन सा है? सऊदी अरेबिया है। यहीं पर एक कंपनी आपको मिलेगी जिसका नाम क्या है? एरेमको कंपनी, और इसने रिलायंस के साथ में टाइप किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सऊदी अरेबिया। अगला, एक पहल ड्राइव। एक पहल ड्राइव, सवाल में पूछा जा रहा है कि इसको किसके द्वारा या फिर कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। आज तो पता चल ही जाएगा कि कितने पानी में हो। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो कि किरण अंकल के पास में है, यानी कि किरण रिजिजू जी के पास में आपको ये मिनिस्ट्री मिलेगी। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में गुडविल एम्बेसडर मिस फेमिना ग्रैंड इंडिया, क्या नाम है? मनिका। इनका अपॉइंटमेंट किया है, कौन से स्टेट ने इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। बचे दो ऑप्शन, आंसर बोलो। इसका करेक्ट आंसर बनेगा हरियाणा के अंदर अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। मनुष्री चिल्लर का अगर नाम पूछा जाए तो भी आंसर क्या होगा? हरियाणा से ही ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, 73rd प्राइम टाइम एमी 2021 का अवार्ड कौन से ड्रामा को मिला? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंटरनेशनल नहीं लिखा हुआ है। एमी अवार्ड्स एंड इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स दोनों अलग होते हैं। आंसर बताओ इसका। चलो इसका आंसर क्या होगा? द क्राउन। इसको देखो कौन सा गाना याद आ रहा है, पानी पानी वाला गाना याद आ रहा है। भाई मेरे को नहीं पता ये कौन सा गाना है, आई स्वेयर आई डोंट नो ये कौन सा गाना है। चलो आगे चलते हैं, बताइए मातृभूमि योजना कौन सा स्टेट ने लॉन्च करी? मातृभूमि योजना कौन सा स्टेट ने लॉन्च करी? हाँ जी, इसका आंसर क्या बनेगा? ये होगा यूपी। जब भी कोई योजना वोजना आए और आपको ऑप्शन में कहीं पे भी यूपी नजर आ रहा हो, सीधे से मार्क कर देना, दिस विल बी ओनली यूपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। अभी हाल ही में फार्मर्स के लिए आईडी लॉन्च करी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आपसे कहा जा रहा है कि इसके अंदर टोटल कितने डिजिट्स को रखा गया, इसके अंदर टोटल कितनी डिजिट्स को रखा गया है? सिंपल है यार, ये तो सोचना ही नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 डिजिट को यहाँ पे रखा गया। अगला, नासा के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। नासा जो है, इन्होंने अभी रिसेंटली बोला था कि चंद्रमा के साउथ पोल पे जाएंगे, ठीक है, और ये जो मिशन होगा इसके अंदर वाटर का जो आईसी एरिया है उसको ये सर्व करने वाले, मतलब उसको ये क्या करेंगे, सर्च करेंगे। कौन से ईयर में ये अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे? कौन से ईयर में ये अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे? आंसर, चलिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 2023 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्क अभी हाल ही में कहाँ पे लॉन्च किया गया? मैम ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमें पता ही पता है। आंसर क्या होगा? नोएडा। नोएडा कहाँ मिलेगा? यूपी के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो गया? यूपी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें कोई सोचना नहीं था। ऑलराइट, सॉल्व, डन। तो ये हैं आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द लास्ट 6 मंथ। उम्मीद करेंगे कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, और रेगुलर बेसिस पे जो करंट अफेयर्स होता है ये आपका 6:45 AM शार्प रहता है इसी चैनल पे, इसे मिस मत किया करो, क्योंकि यहाँ पे आपको जीके भी पढ़ा देते हैं, न्यूज़ एनालिसिस भी हो जाती है, जहाँ मैपिंग आती है वो मैपिंग भी करा देते हैं, और हर एक एग्जाम को हर एक लेवल पर ये कवर करता है। सेकेंडली, जो बच्चे ऐसे हैं जो मुझे अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, मिल नहीं रहा है, जो भी रीज़न है, टेलीग्राम पे जाओ, सर्च का जहाँ ऑप्शन होता है वहाँ लिखना कृति करेंट अफेयर्स ऑफिशियल। नहीं मिलते हैं, दो चैनल मिल रहे हैं, तो लिखो @GS कृति ऑफिशियल, बीच में गैप मत दीजिएगा, आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम। ठीक है, इसके अलावा आज आपसे दो स्पेशल क्लासेस रहेंगे, एंड हाउ वाज द सेशन, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, सॉरी, बताइए। इसके अलावा आज आपके दो स्पेशल क्लास हैं, अब सीधे आपसे मुलाकात करेंगे 1:30 बजे और फिर मिलेंगे 4 बजे। दोनों क्लासेस आपके 45 मिनट्स या 1 आवर की रहेगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी, ठीक है, एंड दिस विल बी अ रिविजन पार्ट। ओके, इसके अलावा आपका नया पेड बैच जो कि GS मैथ इंग्लिश रीजनिंग सबको कवर करेगा, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसे आप ज्वाइन करेंगे तो इसका अमाउंट 6500 है।
बट जब आप कोड यूज करते हो कृति 10, यहाँ पर लिखोगे कृति 10, तो ये अमाउंट 10% तक कम हो जाता है, और स्पेशल क्लास के पॉइंट्स को यूज करने पे अमाउंट और कम हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पे इजिली इस बैच को ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है बेटा, आओ तुम अभी क्लास में। सेकेंडली, रीजनिंग का आपका मैराथन टेस्ट है इस संडे को, जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगले क्लासेस आपके ये आपके सामने मेंशन है। ठीक है, चले फिर मिला जाए 1:30 बजे। चलो तब तक अपना बाकी सब्जेक्ट का रिवीजन विविजन कर लो, अच्छी तरीके से खाना वाना खा के क्लास में पहुंच जाइएगा समय पर। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन क्लासेस के लिंक अभी हम अटैच करवा देते हैं, ताकि आप वहां से भी जाके इसको ज्वाइन कर पाओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, एंड पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी।